डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप चेन्नई के आसपास या चेन्नई में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन चेन्नई। क्योंकि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ के 4 साल एक ही कॉलेज में बिताने वाला है, तो उसके लिए एक राइट कॉलेज चूज करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप नॉच हो, उसका करियर प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो, राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिले, और वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है ये भी बहुत मैटर करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं क्रियो ऐप के बारे में। अगर आप अपने घर पर एक होम ट्यूटर बुलाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या फिर आप घर बैठकर कुछ नया सीखना चाहते हैं जैसे गिटार, डांस या योगा, तो आप क्रियो की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपने लिए एक होम ट्यूटर बुक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 10th कॉलेज की तरफ, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये अन्ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। ये कामराज नगर में सिचुएटेड है और इसमें एडमिशन लेने के लिए TNEA एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। इसके 3 फायदे हैं। यहाँ पर अकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रेगुलर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी एडिक्वेट है, और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ में भी देखा गया है। इसके 2 नुकसान हैं। पहला है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी कम है, और दूसरा है कि यहाँ के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जो कि एक नुकसान हुआ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। नंबर 9th इंस्टीट्यूट, ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी अन्ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए TNEA एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। इसके 2 फायदे हैं। पहला है कि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और हेल्पफुल है। दूसरा है कि यहाँ पर अकेडमिक्स पर काफ़ी फोकस दिया जाता है, तो इनका अकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है। 2 नुकसान हैं। पहला है लैब्स यहाँ के अपडेटेड नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नए ज़माने से नहीं मैच करते, और दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा डाउनसाइड पर है। नंबर 8th इंस्टीट्यूट, डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और इसमें एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस या फिर CSAB एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है। इसके 2 फायदे हैं। पहला कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। दूसरा, ये एक बहुत अच्छी लोकेशन पर है। इसके 2 ही नुकसान हैं। एक तो है एवरेज फैकल्टी और दूसरा है लो पार्टिसिपेशन इन क्लब्स एंड एक्टिविटीज़। यानी क्लब्स एंड एक्टिविटीज़ बना तो दिए हैं पर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। नंबर 7th इंस्टीट्यूट, श्री साईराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी अन्ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। रिलेटिवली बाकियों से थोड़ा नया है। हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और TNEA एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके 3 फायदे हैं। पहला है फोकस ऑन एकेडमिक्स, दूसरा है फैकल्टी आर हेल्पफुल, एंड तीसरा है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर गुड। 2 नुकसान हैं। पहला है रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली और दूसरा है मैनेजमेंट इज़ नॉट अप्रोचेबल। नंबर 6th इंस्टीट्यूट, राजा लक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी अन्ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है और TNEA एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके 3 फायदे हैं। पहला है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है गुड एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तीसरा है स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ आर एनकरेज्ड, यानी कॉलेज आपको प्रोत्साहित करता है इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए। 2 नुकसान हैं। पहला है बैड लोकेशन और दूसरा है एवरेज हॉस्टल फैसिलिटीज़। नंबर 5th इंस्टीट्यूट, BS अब्दुल रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और इसमें एडमिशन लेने के लिए JEE मेन या फिर CIET एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसके 3 फायदे हैं। फैकल्टी आर अप्रोचेबल, इन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। 2 नुकसान हैं, बैड लोकेशन एंड लैब्स एंड इक्विपमेंट्स आर नॉट अपडेटेड। नंबर 4th इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये भी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी। हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको HIT SEE एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसके 3 फायदे हैं, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स आर वेल इक्विप्ड एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड NCC, NSS एंड YRS। इसके 2 नुकसान हैं, हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड एवरेज फैकल्टी। नंबर 3rd इंस्टीट्यूट,
वेलटेक रंगाराजन डॉक्टर सगुंतला आरएनडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी। हॉस्टल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको VTU EEE एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। इसके चार फायदे हैं, पहला गुड अकेडमिक्स, दूसरा कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स एटसेट्रा, तीसरा टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन्स फॉर एग्जाम्पल हैकाथॉन, चौथा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। दो नुकसान हैं, मैनेजमेंट इज़ नॉट अप्रोचेबल, रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। नंबर सेकेंड इंस्टीट्यूट, सत्याभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी। हॉस्टल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और SAEEE एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके तीन फायदे हैं, गुड अकेडमिक्स, गुड डिसिप्लिन एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। दो नुकसान भी हैं, हॉस्टल लैक्स सर्टेन फैसिलिटीज एंड एवरेज फैकल्टी। नंबर वन इंस्टीट्यूट, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 2002 में एस्टैब्लिश हुई थी। हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस या फिर SRM JEE एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसके पांच फायदे हैं, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इक्विप्ड एंड अपडेटेड लैब्स, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं, फोर्थ है एक्सपीरियंस फैकल्टी, फिफ्थ है पार्टिसिपेशन इन क्लब्स एंड अदर एक्टिविटीज़। इसके दो नुकसान हैं, हाई फी स्ट्रक्चर एंड बैड लोकेशन। अगर आपको लगता है इन 10 के अलावा और भी कॉलेजेस हैं चेन्नई में जो इस लिस्ट में शामिल ज़रूर होने चाहिए थे, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपने घर बैठे एक होम ट्यूटर बुलाना चाहते हैं क्योंकि आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन की ज़रूरत है या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए क्रियो ऐप। आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।